मुझे, और ऐसा भी लगता है सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी रौनक लग रही है। मुझे भीड़ भीड़ सी सुनाई तो पसीने क्या कौन आ गया? और कुछ आज सारे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मन में ये सोचे बैठ के बैठी पता नहीं भाई टाइम पूरा हो गया कुछ आएगा कि नहीं, आज वो भी खुश है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज सारों ने ये ना मतलब हैप्पी हैप्पी वाली स्माइल है सबके फेस पे। चलो मैं जाती ही हूँ बस। हाँ तो आज हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? ब्लाउज की कटिंग। अच्छा, सबने मतलब ख्याल किया है, वाकई आज ब्लाउज की कटिंग सीखने को मिलेगी। तो ब्लाउज सिखाएंगे हम पूरे हफ्ते में और एक साड़ी में बेल्ट कैसे डालते हैं, ये बाकी थी बात की चीजें, बट हम एक बार बीच में ले लेते हैं, ठीक है ना? तो अब आपकी जो क्लासें चलेगी वो ब्लाउज से रिलेटेड चलेगी एक हफ्ता आगे, मतलब ये बीच में सोचना आप बीच में और किसी को घुसा दे नहीं। अब ब्लाउज से रिलेटेड आपकी क्लासे चलेंगी और एक साड़ी में बैठ कैसे डाल, खुश हो आप सारे? अच्छा चलो भाई, चलो अब मैंने है ना माननी तो आपकी बातें नेक्स्ट मंथ में भी, अब मैं आपके अकॉर्डिंग चल पड़ी तो तब तक करो थोड़ी ही देर अपना काम फिर चलते हैं। जितनी लंबाई है से कमर कम है, ज्यादा डाउट है, सारे सॉल्व करवाएंगे आपके, आप पूछते रहना मैं बताती रहूंगी, बट मुझे लगता है जैसे मैं बताऊंगी ना आपका एक भी डाउट नहीं होगा, डाउट होएगा ही नहीं। और बैठ यहां से वो तब तक है जब तक आप मेरा नहीं तरीका जान पा रहे। पहले हम दिखाएंगे बॉडी का मेजरमेंट लेना, इनका लेना
पहले हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज का माप कैसे लेते हैं। जैसे कुर्ती का आप सबको बता के किस तरीके से लेते हैं, तो सबसे पहले ब्लाउज का तो माप लेंगे। इसको पीछे करना थोड़ी सी चेयर को, हाँ यहाँ से कि कितनी लेंथ अगला बंदा पहनता है। तो यहाँ जैसे कि देखोगे, अगर हम मैडम का देखेंगे तो 15 इंच तक आ रहा है इनका ब्लाउज जो रेडी करेंगे वो 15 इंच का करेंगे। तो नीचा ऊंचा जितना भी कोई करवाना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ से ऊपर से चेस्ट का माप लेंगे 35.5, ठीक है। इसी तरीके से कमर का, इसमें जैसे कि चेस्ट का कमर का माप हम कुर्ती में जब लेते हैं, मैंने बताया जिसको जितना रखना है उतना ही रखोगे, बट इसमें आपको बिल्कुल टाइट माप लेना होता है ब्लाउज में, क्योंकि कुर्ती में मैंने बताया था जो क्लाइंट चाहता है उस तरीके से आप लोगे, और ब्लाउज में आप चाहते हो जैसे कि बंदा कितना टाइट पहनता है उस तरीके से ले लेना, बाकी टाइट ही होता है। ऊपर से फिर से हमें ये माप लेना होता है। अब हम शोल्डर का माप लेंगे, तो शोल्डर का मैंने आप सबको बताया हुआ कैसे हम लेते हैं, सेम वही मेथड इसमें भी अपनाएंगे, यानी कि 15 है जैसे इनका। तो यहाँ से फिर एक बार घूम जाओ आप, यहाँ से आर्म होल का ये सारे माप हमें लेने ही होते हैं। हाँ जैसे कि 17 इनका आर्म होल का हो गया। अब हम लेंगे एक यहाँ से माप की फ्रंट, ये ओनली आइडिया के लिए लेते हैं। कई बार जैसे कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि आप यहाँ से क्यों लेते हैं, तो ये ओनली आइडिया के लिए लेते हैं कि हमें देखना होता, मैं आज बताऊंगी कि किस तरीके से लेते हैं। एक माप हम लेंगे डार्ट पॉइंट का, ये बहुत जरूरी होता है कि, और कुर्ती में भी वैसे हम लेते हैं बट ब्लाउज में तो और भी ज्यादा जरूरी होता है डार्ट पॉइंट का माप लेना। तो जैसे कि इनका आया है 11 पे, तो इस तरीके से हमें माप लेना होता है। लाइट नहीं है या फिर एसी ऑफ है। चलो भाई अब ब्लाउज है, कुर्ती का बॉडी का आपको माप लेना आ गया, तो ब्लाउज का कैसे लेते हैं एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने, आप लिखोगे आप साथ की साथ पेपर ले, ताकि इसी का माप हमने लेके कटिंग करनी है। तो लेंथ जो हम लेंगे इस तरीके से लेंगे, जैसे कि इनका है वो 14.5 का है, तो हम 15 इंच का ले लेते हैं। थोड़ा बहुत है ना सिलाई में हो जाता है कई बार, बट वैसे 15 का रेडी है इनका ब्लाउज। अब हम चेस्ट का माप लेंगे, हमने हुक है जो हमारे उनको बंद कर लेना इसी तरीके से, और ऐसे जैसे कुर्ती का माप लेते हैं ऐसे ही हम इनका माप ले लेंगे। इनके हाँ अगर थोड़ा हल्का सा खींच के लेते हैं 19.5 हो गया, तो 19.5 ऊपर से हो गया और नीचे से जो कमर का हो गया वो 16.5 हो गया। तो मैंने हल्का सा जब माप लिया यहाँ से हल्का सा ऐसे खींचा है, आपने भी ऐसा ही करना है क्योंकि ऑलरेडी ये टाइट होता है, जब आप ऐसे लूज छोड़ के लोगे तो उनका फंस जाएगा, तो इसको खींच के माप लेना होता है। फिर हम एक बार स्लीव्स का माप ले लेते हैं इनका यहाँ से, तो 7.5 यहाँ से हो गया, ठीक है 7.5 स्लीव्स का माप है, और मोहरी 5.25 मोहरी है। मतलब बाजू से ज्यादा हेल्दी नहीं लग रहे, वैसे हेल्दी है ना। तो यहाँ से जो नेक है 6.5 हो गया फ्रंट का, और जो बैक का नेक है वो आप इस तरीके से एक बार नेक को अच्छे से फैलाओगे, हाँ 8.5 हो गया, 8.5 बैक का नेक लिख लो। तो ये माप हमारा हो गया है। अगर ब्लाउज में डार्ट डाली हुई है तो इस तरीके से हम लेंगे, हाँ यानी कि जैसे कि डार्ट इनकी है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो इनकी 9.5 पे है, तो 10 पे हम निशान लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंच जो स्टिचिंग का दबाएंगे वो वाला। तो हो गया ब्लाउज का सारा माप। ये होता है बेल्ट वाला ब्लाउज, बट आज हम बनाएंगे वो बगैर बेल्ट वाला बनाएंगे, पहनते हैं ना वैसे, क्योंकि ये हम कल सिखाएंगे आपको, आज विदाउट बेल्ट वाला। हाँ ये जरूरी नहीं है, हमें नेक के हिसाब से आइडिया आ जाता है जो नेक हमने लिया, बट फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से आप माप सकते हो कि इस तरीके से जैसे आपने मापा, तो आप जब इसकी पूरे निशान लगा लोगे ना आर्म होल के और शोल्डर के, तो आपका जो यहाँ पे राउंड आया 8 इंच का वही आना चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है।
तो चलो एक बार निशान लगा देते हैं। वो एक लड़की तो हम एक मीटर ही लेंगे, वरना है ना कई बार क्या होता है कि 30 इंच में काम हमारा चल जाता है अगर पन्ना चौड़ा हो तो। बट इसका जैसे कि इस तरीके का जो फैब्रिक हम लेते हैं ना मार्केट से कि ब्लाउज बनाना है अगर आप पीस दे दो, तो वो इस तरीके का ही देते हैं, उसके लिए आपको एक मीटर तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा पन्ना चौड़ा नहीं आता, वो इतना चौड़ा होता है। वैसे हमारा पन्ना ये शायद 18 का कुछ का होगा, 17.5 का ही है, वो भी खींच के यहाँ से 20-21 का हो तो उसका आप 30 इंच में आप ब्लाउज बना सकते हो। अगर इतना कम पना है तो एक मीटर आप लेके ही रखोगे किसी का भी। तो सबसे पहले हमने जो हमारा ब्लाउज है उसको उल्टा फैब्रिक फोल्ड करना होता है। इस तरीके से, और यहाँ से एक चीज आपने ध्यान रखनी, ओपन हिस्सा अपनी तरफ होना चाहिए, फोल्डेड हिस्सा अपोजिट साइड। अच्छा, अरे वो मैं बाहर गई ना तब करवा गई थी, भूल गई। चलो, जैसे कि ओपन हिस्सा है वो मेरी तरफ है और जो फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ, अब भी नहीं हुआ मुझे। हम लेंथ लेंगे, सबसे पहले लेंथ हमारी है 15। हमने क्या करना है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है किसी के भी साइज में, किसी की भी कितनी भी लेंथ हो, लेंथ का निशान मापो और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लो। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो हम नीचे से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो जो नीचे से फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे, मान लीजिए आप इनर वाली कुर्ती स्टिच कर रहे हो, तो उसमें हम करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना सभी के लिए, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे से फोल्ड करेंगे तो, नहीं फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा। बस लेंथ का हो गया आपका मेथड क्लियर। अब हमने शोल्डर लेने हैं यहाँ से, जैसे कि शोल्डर नेक के हिसाब से हम लेंगे तो हाँ जो साइजेस होता है वो हमें आइडिया दे देता है। बाकी आप जैसे कि एक बार वो दिखाना, आपको सिखाने के लिए बताऊं कि आप ब्लाउज का ही माप ले रहे हो तो आप नेक को पहले अच्छे से ओपन करके रखोगे और यहाँ से इनके शोल्डर मापोगे। बिल्कुल अच्छे से आपने ओपन करके रख लेना है, यहाँ से मापोगे आप तो ये देखो जैसे कि इनके 11 के हैं और हम लेंगे जैसे कि 5.5 हो गया तो 1/2 इंच और एक्स्ट्रा दबने वाला, 11 का हाफ हो गया, हाँ 5.5 1/2 इंच दबने वाला, तो इनके जो शोल्डर है वो परफेक्ट ले रखे हैं। बाई चांस क्या होता है कोई ब्लाउज दे जाता है क्लाइंट तो आप उनके शोल्डर मापते हो ज्यादा ही जाते हैं, वो बोलते हैं कि कंधे गिरते हैं फिर हमारे, तो ये चीजें हमें खुद देखनी पड़ेंगी। एक बार आइडिया के लिए आप ले सकते हो, बाद में आप नेक देखोगे, आप देखोगे इनके शोल्डर 7 पे जा रहे हैं लेकिन नेक देखोगे वो 9 पे जा रहा है, तो आप उसके शोल्डर अपने अकॉर्डिंग लेओगे 5.5 या 6 इंच, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप प्रॉपर ब्लाउज का माप इस तरीके से ले, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने हमारी तरफ से करनी होती है। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं, 6 इंच पे निशान हम इतना हाथ छोड़ के फिर लगाएंगे। इसमें मेमो लाइनिंग नहीं लगाएंगे ये करने के लिए, क्या मतलब वो सूट में लगाते हैं जैसे थोड़ा ये दबाने के लिए लगा दिया, लगा दिया, ये लगाया ना मैंने, हाँ छोड़ना एक बार इतना सा छोड़ के फिर हम निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये पूरा निशान लगा देते हैं ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा। 6 इंच पे निशान लगा दिया, 6 इंच पे हम नीचे का निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल सेम कुर्ती वाला ही मेथड इसमें होएगा, कुछ भी आपको इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं, बस कुछ कुछ मेथड है थोड़े से, बिल्कुल इजी से याद रखोगे हो जाएगा। यहाँ से हम 6.5 लेंगे। ब्लाउज का एक चीज ध्यान रखना, हम आरमोल थोड़ा सा छोटा लेते हैं और चीजों की बजाय, यानी कि कुर्ती की बजाय, एक तो वो नीचे तक पूरा प्रॉपर नहीं होता, यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, जिससे आरमोल लेंगे ना तो जो ये ब्लाउज का ये हिस्सा इतना सा होता है वो अपने आप सेट कर देता है ऊपर नीचे करने में। कुर्ती पूरी लंबी होती है जिसकी वजह से हमारा आरमोल छोटा होता है तो वो फिर खिंचता है, अगर इसमें बाई चांस हल्का सा छोटा भी हो जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से 6.5 मैंने लिया है, वो इसलिए लिया है नेक इनका अच्छा बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, तो 6.5 यहाँ से लिया। अब हम यहाँ से माप ले लेते हैं चेस्ट का, तो चेस्ट जैसे कि 19.5 थी, इस निशान से हम मापेंगे तो 19.5 थी तो 10 माइनस, यहाँ से हमने एक निशान लगा लिया। अब जो हम यहाँ से, एक चीज आपने ये याद रखनी है, यहाँ से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 या 2.5 इंच। जैसे कि कोई ये बोलता है ना कि मुझे लूजिंग ज्यादा चाहिए, फ्यूचर में कभी खुलवाना पड़ जाए
तो आप उसके लिए 2.5 इंच रख लो, कोई बोले कि हमें कभी खोलना ही नहीं है तो उसके लिए आप 2 इंच रख लो, बट दो रखना ही रखना पड़ेगा, हो गया। अब यहाँ से देखो आप, जैसे कि 12.5 यहाँ से हो गया हमारा प्रॉपर, तो यहाँ से आप 12 इंच पे निशान लगाओगे, वही जो चीज मैंने कल बताई थी चोली के लिए। बट इसमें वही चीज, अगर आपने निगाह कर लेनी है कि कमर है आपकी वो लगभग चेस्ट के ही साइज की है, तो आपको फिर वो माप 1.5 इंच चुन्नटों वाला अलग से लेके फिर करना पड़ेगा। लेकिन कमर में डिस्टेंस है तो आप बगैर सोचे समझे एक बार ये निशान लगा सकते हो, 1/2 इंच कम। लगभग ब्लाउज में तो ऑलरेडी चलता ही है ये, यहाँ से जितना हमने लिया यहाँ से 1/2 इंच कम कर दो, लगभग सबका आता है क्योंकि ब्लाउज हम यहाँ से बहुत टाइट पहनते हैं। तो हो गया, अब हम इसकी राउंड शेप देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम एक बार राउंड शेप दे देते हैं इस तरीके से। इसकी जो राउंड शेप है हम हल्की सी इस निशान से थोड़ी सी बाहर ही देंगे, इससे अंदर की तरफ ये हिस्सा नहीं लेके आएंगे। जैसे कि आप सोचो यहाँ से हम मिला के राउंड शेप दे लेते हैं, क्योंकि इसकी एक डार्ट डलती है यहाँ पे जो कवर करती है फैब्रिक को। हमने अगर ये राउंड शेप अंदर से दे दी तो वो और भी अंदर हो जाएगी जब वो डार्ट डलेगी, तो आपने बाहर से भले दे देनी है यानी कि 1/4 इंच एक्स्ट्रा, लेकिन अंदर से ये राउंड शेप नहीं देनी, ये ध्यान रखना। तो एक बार हम इसको कट कर लेते हैं और अंदर से हमें वही छटाई फिर से 1/2 या 1/4 इंच की। नेक डीप है तो ज्यादा नहीं करेंगे, नेक भी डीप नहीं है तो थोड़ी सी ज्यादा हम कर सकते हैं अंदर की ये छटाई, ठीक है। ये फ्रंट हिस्सा हो गया। अच्छा, अगर नेक डीप है तो हम यहाँ से डाउन ज्यादा नहीं करेंगे, अगर नेक डीप नहीं है, बैन नेक है या बोट नेक है तो हल्का सा यहाँ से डाउन कर देंगे, सेम वही मेथड। तो इसमें हम डीप नहीं कर रहे कहीं से भी। अब एक बार इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट हिस्सा, अब हम इसका बैक हिस्सा कट करेंगे। अच्छा, आपने इसमें एक चीज और नोटिस करनी है, बिल्कुल जो आपके हर किसी ब्लाउज में आपके लिए ये जरूरी है, आप जब भी शोल्डर, ये शोल्डर लोगे वो बंद कपड़े की तरफ लोगे, ध्यान रखना ये चीज। ये मैं बहुत बार बताती हूँ हर उस ब्लाउज कटिंग में, जो भी ये शोल्डर कट करोगे वो जहां से बंद कपड़ा हमारा ज्यादा है वहां से कट करोगे, आप शोल्डर यहाँ से कट नहीं कर सकते ब्लाउज का, ठीक है। अगर जैसे कि कोई कढ़ाई का आता है वो चीज अलग है, बट नॉर्मल ही ब्लाउज आता है तो आप शोल्डर अंदर से लोगे सेंटर से, वो क्यों, इसलिए अब मैं बताती हूँ। देखो हाँ, जैसे कि अब हमारा ये बैक हिस्सा यहाँ से कवर हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वो इतना फैब्रिक हमारा वेस्ट जाता। किसी भी ब्लाउज की कटिंग करो शोल्डर सेंटर से लेना, ध्यान रखना। अब हमने यहाँ से ये फैब्रिक बाहर की तरफ निकाल देना है और इसको फिर से कट कर लेते हैं। इसकी बैक बड़ी है नहीं है, बताते हैं आपको। एक बार हमने पूरा इक्वल कट कर लिया, तो बिल्कुल इक्वल कट कर लिया पूरा का पूरा फ्रंट और बैक, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है, वो क्या करना है, 1/2 इंच हमें बैक हिस्सा कम करना है नीचे से, 1/2 इंच हमें साइड से कम करना है बैक हिस्सा। ये जब आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हो तो आप ये चीज पहले भी कर सकते हो, ताकि आपका जो नीचे की लेंथ है वो 1/2 इंच बच जाए अगर स्लीव्स में कमी रहती है तो, ठीक है। लेकिन ये करनी जरूर होती है। अब हम इसका बैक हिस्सा यहाँ से कम कर देते हैं। फिर मैम ये आपको इंच करने से कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा, प्लेट से डलेगी ना फिर। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ से हम कम कर देते हैं। तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया, फ्रंट की हम एक बार छटाई कर लेते हैं। Thank you.
अंतिसा हो गया हमारा। अब यहाँ तक आप सबको समझ आ गया कैसे किया हमने कि ऊपर से हमने जो पहले में लेंथ ली वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा, जब हम नीचे से तुरपाई वाला फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा, अगर वैसे गुम करेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, पहली लाइन क्लियर। उसके बाद बैक हिस्सा हमने जो कट किया है सेम वैसे ही कुर्ती वाला कट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जितना यहाँ से लेते हैं 1/2 इंच कम लेते हैं कमर में, उससे अलावा कुछ नहीं। अच्छा, बैक हिस्सा जो हम कट करते हैं, एक जब हम ये निशान लगाए, ये जो मार्जिन वाली पट्टी ये छोड़ देनी है ताकि हम इस पे हुक आई की पट्टी लगाएंगे। ये हम ब्लाउज बना रहे हैं फ्रंट हुक आई का, अगर बैक का बनाते सेम ऐसे ही कटता, उसमें बस थोड़ा सा ये फर्क रहता कि जो ये हिस्सा है ये फ्रंट में फिर हम नहीं लेते, ये हम फ्रंट में लेते बंद वाला हिस्सा अगर बैक में हुक लगाते तो। तो यहाँ से ये हो गया, इसमें बैक वाले में बस ये करना है 1/2 इंच यहाँ से कम, 1/2 इंच यहाँ से कम। तो ये तो आप सबके क्लियर हो गया। अब एक बार स्लीव्स और कट कर देते हैं, फिर आपको डर्ट कैसे डालते हैं वो बताते हैं। तो स्लीव्स हम यहाँ से कितनी थी इनकी लेंथ? अच्छा 1/2 इंच और बढ़ सकती थी, मैंने सोचा 8.5 ही है तो 1/2 इंच मैंने समझाने के लिए पहले ही नहीं कट किया, बाकी बन जाएगी अगर आप आगे लेंस वगैरह या कुछ। 8.5 है तो नहीं बनेगी, 8.5 की बनेगी। अच्छा तो ये क्या था, बैक नेक था क्या? मैं इसको देख रही हूँ बार बार, ठीक है फिर सारी ले देते हैं, है ना। अच्छा तो फिर कितनी, जैसे कि चेस्ट का अगर जो माप है मान लो इनका 19 है, देखो अगर बंद में आप माप निकालते हो कैसे निकालोगे, तो 19 लगाओ इनमें से, 38 हो गया, 38 में से 4 इंच माइनस कर दो, 34 रह गया, 34 का 1/4 हिस्सा करो 8.5, तो हम जो निशान लगाएंगे वो 7.5 पे लगाएंगे। समझ आया मैंने कैसे किया? क्योंकि इनमें प्लस कर रखा है 4 इंच, तो उसमें से 4 इंच जो प्लस कर रखा माइनस कर दो, माइनस बाकी ब्लाउज है इसमें 4, सॉरी एक चीज रहेगी, ब्लाउज में 4 इंच प्लस नहीं करते हम, 3 करते हैं 2 करते हैं, ठीक है 3 कर सकते हो 2 कर सकते हो, तो मान लो 35 रह गया इनका, तो 35 रह गया, 3 इंच ही प्लस कर रखा होगा, 2 कर रखा हो क्या पता, तो 35 लगा के चलो आप, तो 9 से थोड़ा सा कम हो गया, तो आप पे 8 से थोड़ा सा कम लोगे, यानी कि 7.5 पे। अगर चाहो तो इसमें ज्वाइंट लगा सकते हो, इतना सा ही कपड़ा बचा है तो थोड़ा सा ज्वाइंट हम लगा ही लेंगे इसमें, तो वो हल्का सा ज्वाइंट लगेगा। यहाँ से हमने ऐसे किया और फिर निशान लगा लेते हैं, जैसे कि 3.5 इंच डाउन किया हमने, और इसका जो 1/4 हिस्सा है वो हो गया हमारा 7.5, तो 7.5 पे ये निशान लगाया और इसको हमने इस के साथ यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। अब जो मोहरी थी, तो मोहरी कितनी थी? 5.25 की, तो 5.25 पे हमने निशान लगा लेना है, 5.5 पे लगा लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में हम ले सकते हैं, बाद में जब स्टिच करें बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर हम ये निशान लगा लेंगे। अब जो ये छोटा सा पीस बच गया इसी में से इसका ज्वाइंट कट कर लेते हैं, यहाँ इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से कट करते हैं। ये लीजिए, ये आपकी स्लीव होगी, हल्का थोड़ा सा कम मोड़ देना ताकि आपको और चाहिए, वैसे अगर बड़ा ज्वाइंट होता तो हम पीछे लेते ज्वाइंट को, बट ये वैसे भी नहीं आएगा तो सटाई हम इधर से ही कर रहे हैं। तो ये होगी इनकी स्लीव्स। मैंने शायद बताया था आपको, जैसे कि इस तरीके से किया करो, मान लो यहाँ पे एक निशान लगा लिया, एक निशान हमारा यहाँ पे था, इसको एक इसको सेंटर मापो कि 1.5 इंच अंदर की तरफ, और जो हमारा फिटिंग का ये निशान हमने लगाया हुआ था इसके अलावा डेट नहीं मापना, इसका सेंटर देख लो आप, ये 7 हो गया, इसका 1/2 कर लो, 3.5 हो गया, यहाँ से 1/4 इंच या कितनी आप गहराई देना चाहते हो, 1/4 इंच की या 1 इंच की, इसके साथ इसको मिला दो बिल्कुल सेंटर से, और इसके साथ इसको मिला दो, ये छटाई करने का तरीका होता है आपका। जब आप छटाई करोगे हल्का सा राउंड शेप अपने हाथ से दे देना, ठीक है बस ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जो आपका मेन काम रह गया ब्लाउज में वो रह गया कि डार्ट कैसे डालते हैं, तो यहाँ से हमने लेंथ ले लेनी है,
हमने इनकी मापी थी 9.5 की, है ना, तो हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे, हाफ इंच हमारा दबने वाला गया, क्लियर होता चल रहा है ना। तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया, बिल्कुल सीधी लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं 10 इंच पे। तो हमने बिल्कुल सीधी लाइन ये खींच दी। अब जो मेन हमारे सारे निशान उठेंगे वो इसी लाइन के ऊपर उठेंगे, तो यहाँ से हमने 4.25 पे ये निशान लगा लेना है। साइज के हिसाब से मैंने 4.25 लिया है, वरना नॉर्मल हम 3.5 लेते हैं। तो यहाँ पे एक निशान लगाया, 2.25 इंच पे एक निशान लगाया, एक निशान हमारा फिर से उस दिन की तरह दोनों का सेंटर ये चला गया यहाँ से, ठीक है। तो एक निशान हम यहाँ से इन दोनों के बीच का कम, ये मैं समझाऊंगी आपको, एक बार मैं लगा लेती हूँ। अब उसके बाद हमने जितना यहाँ पे लिया था 4.25, इस निशान से 4.25 पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसको यहाँ से डाउन करेंगे 1/2 इंच की हमारी जो डायरेक्ट है वो यहाँ से शुरू होगी। तो एक जो हमारी डायरेक्ट आपने कितनी चौड़ाई की डालनी है साइज के हिसाब से हम डालते हैं, तो एक नीचे की जो हमारी डायरेक्ट है वो ये आ गई यहाँ से, एक हमारी डायरेक्ट है वो यहाँ पे चलेगी इस तरीके से इतनी तिरछी, एक जो हमारी डायरेक्ट है वो एक यहाँ पे आ गई और एक हमारी जो डायरेक्ट है बिल्कुल 1/2 इंच नीचे यहाँ पे आ गई। तो ये हमारी जो प्लेटें हैं वो हो गई, यहाँ से ही यहाँ तक ही ये स्टिच होंगी, तो जो हमारा राउंड है वो ये बन जाएगा। अब इसका हमारा कोई मेन मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये वैसे ही है। तो जो मेन है हमारे ये है, तो हम इनको लगाते कैसे हैं, सबसे पहले हमने जो प्लेट पॉइंट है उसको माप लेना है, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींच देनी है, सारी प्लेटें उसी लाइन से उठेंगी, ठीक है। पहली प्लेट जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं 3.5 या 4.25 पे, 4 पे 4.5 तक भी किसी किसी का बाई चांस साइज बैठता है, वरना 3.5 4.5 तक ही बैठता है। तो यहाँ से पहला निशान हमने लगाना है ये, उसके बाद हमें फिर दूसरा निशान लगाना है ये, कि जो मान लीजिए जैसे कि सभी के साइज से बताती हूँ मैं, अब जैसे कि इसका ब्लाउज है हाँ सुशीला का, तो इसका ब्लाउज के लिए हम पहली प्लेट्स लगाएंगे 1.5 पे, ये लगाएंगे 2.25 पे और ये लगाएंगे हाँ 2 पे, ठीक है, 1.5, 2.5 और 2, बस ऐसे ही। अब इससे थोड़ा सा हेल्दी है मान लो, फिर उसका करते चलते हैं, वो लगाएंगे जैसे कि 1.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा 2.5 पे, ये 2 पे, ये 2.25 पे, फिर ऐसे ही थोड़ा सा और हेल्दी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से 2 पे, यहाँ पे 2.25 पे, यहाँ पे फिर 2.5 पे। मैम ये 2-3 यहाँ से नहीं लेनी पड़ेगी ना, यहाँ से और यहाँ से इक्वल बैठेगा हमारा, ये जैसे कि ये देखो 2.5 यहाँ से है और 2.5 ही यहाँ से, इन दोनों का सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम खींच देते हैं। कई बार जैसे कि आपको फिर भी समझ नहीं आता कि ये निशान कैसे जाते हैं, तो हम इस लाइन के साथ भी मिला देते हैं और इस लाइन के साथ भी हम मिला देते हैं, आपका जो सेंटर में ये लाइन जानी चाहिए, जैसे कि हमारा आर्म होल यहाँ से था मेन जो था, तो इसके सेंटर में अगर जाती है तो हम प्लेटों का सामना कर सकते हैं इस तरीके से। सबके निशान अपने अपने तरीके से होते हैं, बट ये बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका है और एकदम परफेक्ट बैठते हैं, ना इसमें उलझन है कहीं पे भी ना कुछ। और हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर से सारे निशान उठाने हैं, गैप हम उस अकॉर्डिंग ही रखेंगे साइज के हिसाब से। हाँ जैसे कि यहाँ से 2 भी रख, यहाँ से 2 रख सकते हैं, यहाँ से फिर 2.25 रख सकते हैं, यहाँ से 2.75 रख सकते हैं, साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़ाते चलोगे आप। तो इस तरीके से हम माप लेते हैं, बिल्कुल पतले का हम 2.25 पे 1.5 पे और 2.25 पे। मैम एक सवाई सवाई बढ़ाना होता है, हेल्दी है जेठानी, उसकी ना मतलब ब्लाउज से चेस्ट बाहर आ जाती है जी, तो उसका साइज कब साइज बड़ा, कब साइज बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, और हमें ये हार्मोन है ना, ये बिल्कुल छोटी है। हाँ फिर कोई ये साइज है ना बिल्कुल मतलब, हाँ बाजू पतली है उनकी, मेन मतलब बाजू पतली है, चेस्ट हैवी है, तो कोई दिक्कत है, उनका कप साइज बढ़ा लेना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा फिर आप बड़ा करोगे ना, आप वो कम ले लेते हो थोड़ा सा जब चुभता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जैसे कि नेक अगर बनाना होता है, मान लो नेक आपको 2.75 का बनाना, तो यहाँ से 2.5 लोगे, और लेंथ जैसे कि आपको मान लो यहाँ से 6.5 की करनी, तो आप 6.5 की ही ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से वो मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आप राउंड दे सकते हो अपने हिसाब से कैसे भी, ठीक है, कितना आपको डीप पहनना है कैसे पहनना है।
तो यहाँ से आप ये राउंड लोगे, जब आप इसको आप सोच रहे होगे कि यहाँ से दबेगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर से भी फिर वो दबेगा तो वो कवर हो जाता है, सेम रह जाता है फिर वो। तो ये हमारे ब्लाउज का होता है। दूसरा हम ड्रेसिंग व्हील जो निशान लगाते हैं वो लेके आओ, हाँ ये होती है हमारी ड्रेसिंग व्हील, ठीक है। इसको आप गिरारी भी बोल सकते हो, ड्रेसिंग व्हील भी, इंग्लिश वर्ड है ड्रेसिंग व्हील, गिरारी हम वैसे बोल देते हैं याद रहने के लिए। तो हम बिल्कुल सेम इस तरीके से ऐसे चलाएंगे और सेम, वैसे हम इसके नीचे अगर गत्ता रखते हैं ना तो और ज्यादा इजी रहता है, नीचे गत्ता रहेगा तो बिल्कुल सेम निशान उठ जाएंगे। और कई बार हम तो ऐसे करते थे जैसे कि नीचे गत्ता रख के, जो सुटों के नीचे आता है ना गत्ता, उस पे ऐसे ऐसे चोक लगा देते थे, थोड़ा सा ऐसे चोक लगा के जब आप ये निशान उठाते हो ना तो बिल्कुल इक्वल निशान उठ जाते हैं आपके, इसके साथ उस तरफ भी आपके निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां कभी मैंने छोटी सी एज में सीखा था उस टाइम पे हम ऐसे करते थे, नीचे भी चोक लगाते थे और वो अपने आप ही चोक आ जाता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या नाम है इसका? ड्रेसिंग व्हील। हाँ वेरी गुड। नहीं कटता नहीं है इससे, इससे कटता नहीं है, कितनी भी जोर से लगा लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप तिरछा विरछा लगाओगे तो उसकी वो नहीं है, कहीं आप बोलो जो स्पून क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल पतला सा फैब्रिक होता है उस पे अगर ऐसे ऐसे मारोगे तो वो तो कट जाएगा भाई, बाकी कटता नहीं है इसे फैब्रिक अगर बिल्कुल सही तरीके से आप लगा रहे हो। तो ये हल्के हल्के तो वैसे निशान आ गए, बाकी अपने तो नीचे वो था ओनली प्लाई ही है, जैसे कि नीचे कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए जब आप लगाते हो तो कपड़ा बिछा होना चाहिए, फिर ये निशान सेम उभर के आ जाते हैं जैसे जहाँ पे आप लगाते हो। ये अगर आप ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो आपके पास ये बिल्कुल होनी चाहिए, वैसे फिटिंग पे भी बहुत अच्छी रहती है ये लगाने में। हाँ ये विनोद वाली हमने तो विनोद वाली ठीक है ना, ये तो हो गए फ्रंट के निशान। अब बताती हूँ मैं आपको बैक के निशान कैसे लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से कितनी लेंथ ली थी? 10 ली थी। तो यहाँ से हम ये निशान हाफ इंच कम लेते हैं, वैसे जैसे कि 9.5 पे लेंगे, जितना हमने फ्रंट पे लिया होता है उससे हाफ इंच कम लेते हैं। लेकिन किसी किसी के यहाँ पे मतलब इस तरीके से, एक बार आप बैक होना, किसी किसी के मतलब आपको ये चीज मापनी पड़ेगी कि डीप होता है किसी की कमर में बहुत ज्यादा, तो जब डीप होता है तो जहाँ पे डीप स्टार्ट होता है ना वहां तक आपने ये निशान लगाने स्टार्ट करने होते हैं। तो आइडिया के लिए हम एक हाफ इंच कम करते हैं, बट जैसे कि किसी के ज्यादा ही उसको चाहिए कि मुझे बहुत फिनिशिंग से प्लेटें चाहिए तो आपको बैक का भी माप लेना पड़ेगा कि उनकी बैक वाली प्लेट्स कहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ से फिर से 4.25 इंच पे और ये भी 4.25 इंच पे, सेम ऐसे ही हम सूट के ऊपर निशान लगाते हैं ऐसे, और सेम हम ऐसे ही इसके ऊपर निशान लगाते हैं। तो आपको अब मेरे ख्याल से चुन्नटों में इनमें डर्ट में डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो एक बार मैंने पहले भी बोला होगा, फिर से बोलती हूँ, सेम सेम मेथड होता है सभी चीजों का। लास्ट तक जब आप पहुंचोगे तो आप ये समझोगे कि बिल्कुल इक्वल चीज है। मैंने कई दिन हो गए ना ये यूज करे, तो ये तिरछी चल रही है उनके हाथ में ही बैठी हुई है। तो ये आपके बैक के निशान हो गए और फ्रंट के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिटिंग का निशान बाद में लगाएंगे, हम जब नेक वगैरह सब कुछ पूरा ब्लाउज रेडी कर लेंगे ना फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे, ठीक है। एक बार चलो मैं यहाँ बाहर हूँ आपके पास, इसको स्टिच कर करके देखो सभी। अच्छा एक चीज बताती हूँ, एक चीज और सुन सकते हो आप इसमें, कुर्ती भी कटवा देना, समझा दे। कुर्ती तो बहुत बार कटवा चुकी मैं, अब ऊपर से समझाई थी वो, फिर से एक बार कपड़ा मिलाया वो, 2-3 समझाई थी उस दिन। अब मैं देखूंगी बाहर वाली लड़कियाँ समझाएंगी, वो आ रही हूँ मैं, ज्यादा दूर नहीं हूँ, ठीक है, ये समझाएंगी। हाँ तो ताकि मैं ये भी तो देखूं तुम्हें भी आ रहा है या फिर मैं ही बताती चल रही हूँ। मन तो देखा है मैं। कोई ना, ये जो भी है ना तुम लेके आए हो इनसे कटवा दो कुछ एक से। तो देखो पहली जो प्लेट उठेगी, ये ध्यान रखना आप, ये उठेगी हाफ इंच या 1.25 इंच की,
यानी कि जब इस पे हम ये ऐसे डॉट डालेंगे तो इस तरीके से ये कट है, ये सेंटर में लेंगे सेंटर वाला, और इस तरीके से बिल्कुल ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, चाहे एक बार बगैर ब्लाउज के वैसे डाल के देख लेना। तो ये हो गया, जो दूसरी डॉट है वो हमारी यहाँ से उठेगी तो एक पैर के मार्जिन की, यानी कि हमारा जो सेंटर हो गया वो तो ये हो गया, और इसको यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, हाँ एक पैर का, और यहाँ से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही एक पैर का इस पे भी, और सेम ऐसे ही इस पे भी एक पैर का एंड करना होता है बिल्कुल यहाँ पे आओगे जब। अच्छा एक चीज और मैंने नहीं कवर की, ये जो आपकी ये चुन्नट है कहाँ तक जाएगी, तो ये आप 1.5-2.5 इंच तक ले सकते हो तिरछा करके, और जो ये आपकी डार्ट है ये आपकी 1/2 इंच या 1.75 इंच तक डाउन हो सकती है, ठीक है ये चीज नहीं कवर की थी। अच्छा यहाँ से ये चुन्नट, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो कैसे करोगे, आप यहाँ से लेके 5.5-6 इंच तक इसको निकालते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ से आप मापोगे, हाँ जैसे कि मान लो 5.5 पे हो गया ये, जब हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाते हैं ना, तो ये निशान जहाँ पे हमारा ये फैब्रिक था जो बैग का भी हमने नहीं कट किया था, तो जहाँ पे टच होता है उसके साथ आप ऐसे मिला सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आता तो कहाँ तक हम ले 5.5 या 6 इंच पे, हाँ देखो जैसे कि मान लो ये है आपका इस तरीके से, ठीक है ये हमने बैक हिस्से की निशान लगाया हुआ था इस तरीके से, 5.5 या 6 इंच पे आप निशान लगाओगे, ठीक है साइजेस के हिसाब से आप लगा सकते हो, मैंने 5.5 पे लगाया, 6 पे लगाओगे तो भी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जहां हमारे ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ये क्रॉस हुआ जहां पे निशान, उसके साथ हमने ऐसे क्रॉस कर देना है कि फिर है ना यू नहीं रहेगा कि किधर से घुमाए इसको किधर से घुमाए, जहां पे क्रॉस हुआ है ये निशान तो आपने लगा लिया इन दोनों का सेंटर, ठीक है अब उसको कहां मिलाए, यहां लेके जाए यहां लेके जाए, तो वो आइडिया 5.5 या 6 इंच पे जहाँ क्रॉस हो रही है आपकी ये सीधी लाइन, उसके साथ आप उसको ऐसे मिला सकते हो, बस यही था इनका और कुछ नहीं ज्यादा। तो समझ सकते हो निशान लगा सकते हो सारे, मैं चेक करना चाहूंगी बैक नेक, हाँ बैक नेक कितना जैसे कि जैसे चाहते हो उस हिसाब से, जैसे कि आपने वहां पे लगाया था 2.5 इंच तो यहाँ पे भी आप लगाओगे 2.5 इंच का, और यहाँ से कितना था आपका 8.5, 8.5 पे हम ये लगा लेते हैं, और इस तरीके से फिर से हम राउंड शेप दे देंगे। यूरिया पट्टी से बना के दिखाएंगे पहले आपको, ठीक है यूरिया पट्टी से बनाना आप बनाओगे, क्योंकि कुर्ती पे आपने बना लिया है सेम वैसे ही बनेगा ये भी। ये आपका बैक का हो गया। अगर एक और चीज इसमें चलो मैं ऐड करती हूँ, जैसे किसी का ज्यादा ही डीप नेक है और उसका आपको लगता है इसका तो कुछ भी कर ले शोल्डर उतरेंगे ही उतरेंगे, तो उसका आप हल्का सा यहाँ से डाउन कर सकते हो आगे से, पीछे की बजाय आगे से दोनों का बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा तिरछी सिलाई भी लगा सकते हैं। हाँ नहीं आप थोड़ा सा डाउन ही कर सकते हो ताकि आपको ये ना रहे कि इधर से करना था कटिंग करते टाइम ही आगे से, सबका नहीं करना, जिसका कोई बार बार कोई क्लाइंट ऐसे नहीं आके बोलता मेरे शोल्डर उतरते हैं ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ये दिक्कत है, हाँ तो आप उनका आगे से हल्का सा डाउन कर दिया करो, पीछे की बजाय शोल्डर की बजाय आगे से कर दिया करो, उनका नहीं उतरेगा फिर। और एक जो यूरेप पट्टी आप लगाते हो वो आप हल्की सी खींच के लगाया करो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। में मैं आधी आंसे खींचनी होती है नहीं पूरे में पूरे में, हाँ क्योंकि हम जब आप क्या करते हो जैसे कि ये रोया पट्टी है मान लो कपड़े खा गए आपकी पट्टी का कहीं फिर वेस्ट कर दूं मैं इसकी काटे तो ना वो कितना कट करते हैं, वो हम कट करते हैं 3 इंच के करीब, मतलब कम हो सकती है उससे ज्यादा नहीं, इतनी सी जैसे कि आप फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से इस तरीके से उनको कट कर दीजिए, अब ये 2.5 के आसपास ही होगा बस, ठीक है इतना सा। अब ये पट्टिया तो आपकी हो गई, वो अब हमारे पास फैब्रिक बचा है ये, इसमें से हमें यूरेप पट्टी भी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक तो ये यूरेप है हमारा, ठीक है इस तरीके से कटा हुआ जो हिस्सा होता है वो यूरेप होता है, ये फैब्रिक वैसा है इसलिए बढ़ नहीं रहा, वो चीज अलग है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से तिरछा कट कर देते हैं, इसमें
थोड़ा कपड़ा होता है उसमें ज्वाइंट तो ज्यादा लगते हैं, बट हमें ऐसे ही करना होता है। आप जैसे कि आपके पास ये भी हैं, कभी बताएंगे आपको एक साथ मतलब पहले स्टिच करके यूरेट पट्टियां कैसे निकालते हैं। इसमें से आप जो ये पट्टी है ना वो लगा सकते हो, जो स्टेप वाले लगाते हैं। तो ये लीजिए आपका ब्लाउज रेडी हो गया है। तो चलिए एक बार स्टिच करके और कटिंग करके दिखाइए, सभी के सभी मुझे निशान लगा के एक बार दिखा सकते हो। कौन सी सलवार जो जिसके नीचे जिसके नीचे प्रेस भी नहीं और इसपे बताते हैं आपको, कोई भी बता देंगे आप ब्लाउज की क्लास से करते हो या ब्लाउज का कोई भी करो। पता लगता है कि ये ब्लाउज है, इसका बीच में गैप होता है लेस का, तो यहाँ से हम जो ये फैब्रिक है अलग से आप साइज के हिसाब से पौना मीटर या फिर एक मीटर कितना किसको साइज चाहिए तो उस तरीके से निकाल सकते हो अगर इक्वल फैब्रिक है तो। बाय चांस कईयों में ऐसा होता है, क्या हो गया भाई? अच्छा मैम खड़ी थी ना उसको दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। कई बार ये होता है कि अलग ही देते हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट में होता है तो उसमें तो दिक्कत नहीं आती किसी को। इस तरीके का होता है तो आप साइज के हिसाब से पौना मीटर या एक मीटर निकाल सकते हो। हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, जैसे ऐसे हमने फोल्ड किया डबल में और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और जितना ये फोल्ड हुआ है हमारा यहाँ से एक साथ कट कर लेते हैं ऐसे कैसे। और इसमें पिको होगी साइड में या फिर आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो और ये आपका ब्लाउज का हाँ। थोड़े से छोटे करने होते हैं, शोल्डर लेंथ के हिसाब से करना होता है कि आप वहाँ बैठने तो फिर आपका शोल्डर कितना है वो बताओ मुझे। 15 तो आप 5.5 का ले सकते हो अगर आपने ये छोटी कम दिखानी है, जैसे ये आपने ज्यादा दिखानी है उस हिसाब से शोल्डर लेंगे। और जैसे कि आर्म होल ये हम छोटा लेंगे अगर आपका नेक इतना बड़ा है तो 15 आप आर्म होल 6.25 ले सकते हो, 8.5 तक का नेक है तो आपका ठीक है। जाटन भी ना पीने का।
चार की